अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, हर खैरियत से हूँ। बस अभी जो है अब्दुल सुभान के कपड़े प्रेस कर रही थी और जो है घर का काम वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और अब्दुल सुभान जो है वो प्रेस करवा कर मुझसे कपड़े और ट्यूशन चले गए। कह रहे मम्मा मैं ट्यूशन से आकर फिर जो है वो कपड़े चेंज कर लूँगा। और ये शिज़ा मैडम है अपने मोबाइल में मसरूफ। शिज़ा आपका यही काम है बेटा, आप सलाम नहीं करती हो किसी को भी। नहीं मुंह से सलाम करो। और बताओ आप स्कूल भी जाने लग गई हो। सही से बैठो। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में? नहीं बता रही हो। और ये मैंने अब्दुल सुभान का ड्रेस प्रेस कर दिया है। आज अब्दुल सुभान ने कहा है मम्मा मैं शलवार कमीज पहनूंगा और माशाल्लाह से एक सुभान है जो रोज़े मेरे साथ रखेगा। बाकी शिज़ा भी छोटी है और यासीन भी नहीं रख सकता। और एक चीज़ आपको दिखानी थी कि जिस वक्त मैं इद्दत में थी तो मैंने अपना रूम कलर कर लिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल फारिग थी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। अपनी नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल फारिग हुआ करती थी, तो मैंने ये वाला रूम कलर कर दिया था। और ये जो बेड आपको दिख रहा है, ये बेड जो है ये चेंज हो गया है, ये वो वाला बेड नहीं है जो पहले था। इद्रीस के इंतकाल के बाद असल में वो फ़ोन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जगह भी उसने यहाँ तक पूरी, मेरी ये जगह पूरी यहाँ तक घेरी हुई थी ना, ये जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ तक उस बेड ने सारी जगह घेरी हुई थी। फिर यहाँ पर डेस्क भी पड़ा होता था, तो बस फिर वो जगह का थोड़ा सा इशू था। तो इद्रीस के जो है वो भाई ने जाकर दूसरा बेड ले लिया और वो बेड हमने दे दिया था। और आप बताइएगा कि मैंने कलर कैसा किया। बस जैसा तैसा मुझसे हुआ मैंने कर लिया, पर मैं इस कलर को करने के बाद बहुत थक गई थी और यहाँ तक कि मैं बीमार हो गई थी, मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया था। और इंशाल्लाह बराबर वाला रूम भी मैं करूँगी, मैं नहीं करूँगी वो, मैं सोच रही हूँ कि बकरा ईद के बाद या छोटी ईद के बाद किसी से करवा लूँ, क्योंकि आपको पता है जिसका काम उसी को सांझे। हम जो हैं वो ये कलर वलर के काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वॉल है जहाँ पर पिक्चर्स थी ना, तो ये मैं हटवा दूँगी कि नमाज नहीं होती है। और आपको पता है फिर जो है वो इंसान कभी उस रूम में पढ़ लेता है, कभी इस रूम में पढ़ लेता है, तो और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनको भी पढ़नी पड़ जाती है। तो बस अब ये रूम इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी ठीक। और आप मुझे बताइएगा कि मैंने ये रूम कैसे कलर किया है, अच्छा किया है या नहीं किया। पहले इसमें जो है वो सामने जैसे रूम में कलर है ना, सेम वही कलर था, तो मैंने फिर सोचा इसको वाइट कर देती हूँ। तो मैंने मुझे क्योंकि वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, अम्मी के घर पर भी मेरे फुल यानी वाइट हुआ हुआ, पूरे घर में कहीं भी कोई अलग कलर नहीं, बस एक रूम है जो लाइट पर्पल कलर हुआ हुआ है, बाकी सब वाइट है। हमें शुरू से वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, तो आज बना रही हूँ मैं सैंडविच बच्चों के लिए। ब्रेड मैंने मंगा ली है, आलू शिज़ा के हैं जो उसको चिप्स बना कर दूँगी, और चिकन भी बाहर निकाल के रखी हुई है। बस मैं भी थोड़ी देर में किचन में आती हूँ और जो है वो जल्दी जल्दी सारी किचन के काम करूँगी, क्योंकि अभी मैंने तो सिर्फ नमाज पढ़ी है ज़ोहर की और किचन को मैंने हाथ भी अब तक नहीं लगाया। और इसके बाद जो है वो छोटा मैंने क्लिप ऐड किया है शिज़ा के स्कूल के फर्स्ट डे का, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। जिस दिन शिज़ा ने स्कूल में फर्स्ट डे जिस दिन शिज़ा का था, उस दिन मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी आप सबके लिए।
कि जब मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब इसके बाद आप छोटी सी शिज़ा की वीडियो को इंजॉय कीजिएगा। आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे है स्कूल का, और ये मेरी बच्ची का यूनिफॉर्म है, और ये शिज़ा नहा धोकर तैयार हो गई है। बस जल्दी से मैं इसे रेडी करती हूँ, यूनिफॉर्म वेयर करवाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी शिज़ा यूनिफॉर्म में कैसी लग रही है। शिज़ा आप तैयार हो यूनिफॉर्म पहनने के लिए? हाँ, हाँ नहीं बोलते ना जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी फुल रेडी हो गई, और मेरी बेटी के लिए सबने बहुत सारी दुआएं करनी हैं। सही है, सबको बोलो मेरे लिए दुआ करना। बहुत सारी, ठीक है, चलो अब अपनी बेटी का बैग ले लो। चलो मम्मा बैग दिखाओ अपना। ये देखें मेरी बेबी का बैग। हाँ सबर, वो मैं पहले फिलअप कर लूँ, खाली है ना। ये आपकी पानी की बॉटल, ठीक है, ये यहाँ पर जाओ। ये लो अपने आगे रखो। शिज़ा आ गई मेरे साथ। शिज़ा आपको सब बहुत प्यार देते हैं, पता है आपको, सब आपके लिए दुआएं करते हैं, सब आपको प्यार देते हैं। थैंक यू, सही से बोलो थैंक यू। हाँ शिज़ा बहुत समझदार हो गई है। और अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ना शिज़ा के स्कूल की थोड़ी सी वीडियो शेयर की है, जिसका फर्स्ट डे था। आपको पता है मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी तब, और पिछले वीक ही इसे जाना स्टार्ट किया है, एक वीक ही हुआ है शिज़ा को जाते हुए। अब माशाल्लाह से शिज़ा कल फिर से स्कूल जाएगी, और आफ्टरनून में इसका एडमिशन हुआ है। ये दानियाल मॉन्टेसरी है। हाँ, और क्या करोगी? लंच और कुछ नहीं। हाँ तो कल बस ये जाएगी दोबारा से स्कूल, और इसका आफ्टरनून में एडमिशन हुआ है। छोड़ के आएंगे मम्मा नहीं। मम्मा नहीं, हाँ जायद अंकल के साथ जाएगी ना। तो सबको कहो मेरे लिए बहुत सारी दुआएं दोबारा करना। बहुत सारी दुआएं दोबारा करना। हाँ, और जो है मैं अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छी बच्ची बनूंगी, ठीक है। मैं अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छे बच्चे बनूंगी, और मोबाइल ज़्यादा नहीं देखूंगी, और मोबाइल ज़्यादा नहीं देखूंगी। चलें ठीक है, मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि शिज़ा की वीडियो को आप इंजॉय करना, जो इसने स्कूल में बनाई थी फर्स्ट डे। और अपना ख्याल रखिएगा, नए आने वाले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने अब तक नहीं किया हुआ। लाइक तो खैर आप लोग सब करेंगे हर वीडियो को। सॉरी जी मम्मा, आप सोचोगे आप फिर लगाओगे जी, ठीक है। और नए आने वाले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।